अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो यार एक प्रॉब्लम हो गई है, हमने सफाई करवाई थी अभी थोड़ी देर पहले। देखें आप पहले सेटअप देख लें, काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो पानी की निकासी वाला एक था ना, एक सिस्टम, वो बंद हो गया है। अभी आप देखें इसके अंदर पानी है, जमा हुआ हुआ है और ये नीचे नहीं जा रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो है ना बांस, इसको डालता हूँ इसके अंदर इस तरह से। ये देखें ये पानी बाहर भी आ रहा है। ये देखें ये देखें 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 पानी बाहर आ गया। मैं कहता हूँ इसको दबाने से शायद ये खुल जाए, इसकी निकासी। देखता हूँ शायद ये काम करे। लगता मुश्किल है क्योंकि बहुत ही हार्ड हो गया यार, ये अंदर ही नहीं जा रहा। नहीं यार इससे नहीं हो रहा। और देखें देखें हमने सफाई कराई, अभी देखें दोबारा खराब हो गया, पानी हो गया। यार ये किसी को बुलाएंगे, सिपाही छोड़ो तुमसे नहीं होगा, कोई अंदर ऐसी चीज। क्या तुम कोशिश कर चुके हो? मैंने की है ना कोशिश। अच्छा तो भाई अभी ऐसे छोड़ दे दो, मैं ऐसे लगा के। हाँ ठीक है ऐसे ही। अगर बारिश आ गई ना इस दौरान तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी, सारी छत हमारी ऐसे तालाब का मंजर पेश करेगी। आया ये क्या कर रहा है भाई? यार गर्मी बहुत ज्यादा है ना अंदर, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा शाम का टाइम है ना, इनको बाहर की हवा लगवा लें। माशाल्लाह बड़े तो बहुत हो गए हमारे लकी कबूतर के बच्चे। देखते देखें इनका पूंछ, देखें आप, अब इनकी ग्रोथ हो रही है पूंछों के भी। और ये वाले जो हैं ये वफादार के बच्चे हैं, हमने पहले भी देखे थे, माशाल्लाह बड़े हो गए काफी, दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। दूसरे भी मैं उठा लूँ, वो सिराजी के जो है ना रखे वाले कबूतरी के बच्चे, वो भी अब मैं उठा लेता हूँ। इनको क्या हुआ यार? वो दूसरा ठीक है, इसके सर पे यार जख्म है यार, किसी ने इसको मारा है क्या? किस कबूतर ने? ये तो अपने खाने में होते हैं। हाँ। ये तो नीचे भी नहीं आ सकते। इसको काफी गहरी चोट है सिपतैन। क्या लगा हुआ इसको? यार इसको किसी और कबूतर ने काटा होगा, माँ बाप तो नहीं काट सकते। उसके खानों में घुस गए होंगे फिर मार दिया होगा। लेकिन दोस्तों इसका सर देखें आप, काफी जख्मी हुआ पड़ा है इसका, बिल्कुल ऐसे ऊपर वाली स्किन जो है ना उतरी हुई है सारी। चलो यार ज्यादा मसला तो नहीं है तेरा? नहीं ये काफी टाइम का है मेरे ख्याल में यार, आज का नहीं लग रहा है ना। हाँ ये खुश्क हो जाएगा, मैं आज लगाता हूँ। और बाकी माशाल्लाह ये हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे रहेंगे कबूतरों के, जब तक यार हम बंद नहीं करते ये यहाँ ही रहेंगे। और माशाल्लाह दोस्तों हमारी छत काफी साफ हो चुकी है, आज ही हमने काम कराया। गर्मी तो बहुत ज्यादा, हमसे तो नहीं हुआ यार काम, क्योंकि यार बहुत ज्यादा गर्मी थी। और मैंने पता क्या किया है? हाँ। मैंने नीचे नहीं दाना डाला, मैंने डाल दिया साइड पे, ताकि यहाँ पे आके खाएं और यहाँ पे ही गंद हो, नीचे गंद ना हो ज्यादा। आज हम अपने ना मुर्गी के अंडों की कैनलिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे कि भाई आपने ना फ्रिज के अंदर अंडे रख दिए हैं, फ्रिज के अंदर अंडे रखने से क्या होता है कि अंडों में से बच्चे नहीं बनते। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि 3 से 4 दिन गुजर गए हैं, तो आज कैनलिंग कर लेते हैं और पता चल जाएगा कि बच्चे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे होंगे बच्चे तो यार फिर हम इस मुर्गी को उठा लेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे खाम खांडों पर ना बैठी रहे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं यार, और ये पहला अंडा मैं उठाता हूँ और इसकी सूरत हाल देखते हैं। और इसकी सूरत हाल क्या लगती है? बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। बन रहा है बच्चा, ठीक है। उई, उई, वाकी, 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 मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंदर क्या है? ये कुछ चल रहा है इसके ऊपर, हटाओ। हाँ बन रहा है बच्चा, बिल्कुल बन रहा है यार। ऐसे और चेक करते हैं। मतलब ये हुआ कि फ्रिज वाले अंडों से भी बच्चे निकल आते हैं, ऐसी बात नहीं होती। ये इसमें नहीं है प्रोसेस, इसमें नहीं, इसको साइड पे रख दो। इसको साइड पे रखते हैं, ये वाला देखते हैं जी, इसमें भी बन रहा है। बच्चों पर यार हमला कर रहा है कोई कबूतर, जाके देखो। ओए 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 ये मारने आया हुआ था इनको। शिट यार, शुक्र है यार हमने आवाज सुन ली है, कहीं इसी ने तो नहीं मारा अंदर भी इस कबूतर ने। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये वाला शैतान है, मुझे लग रहा है यही है जिसने इस बेचारे कबूतर पर ना हमला किया था उनके घर में आके। पकड़ो इसको। कितने सही है कितने खराब है? 4 ठीक है 8 खराब। तो क्या करें? तो इनका कुछ करना पड़ेगा सकते हैं। तो क्या पता 1-2 दिन में मजीद पता चल जाए, हमें अभी रख देते हैं। चले आज रख देता हूँ, कल सुबह देखते हैं क्या लिया परसों, ठीक है। हाँ ऐसा कर लो। तो यार अभी तुरा पूछ रहा है अली से ना, जिसको हमने बटेरे गिफ्ट किए थे, कि उनकी पोजीशन क्या है, क्या सिचुएशन है उनकी, ठीक है, मर गए हैं, बचे हुए हैं, कितने बचे हुए। तुरा फिर अभी नीचे जाते हैं उससे पूछते हैं। तो यार मैं बच्चे वापस रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे खतरा है। चलो जी इसकी केयर करो मेरे प्यारे भाई। हमने कितने दिए थे तुम्हें? मुझे नहीं दिए थे वो, किसको दिए थे हमने? मूसा को दिए थे, मैंने बोला था अली हमजा को दे दे। वो 6 बजे तुम्हारे घर में थे ना, वो मैंने तुम्हारे पास ही थे ना, 6 दिए थे ना मैंने। 3 तो वो आपके ये जो बिल्लियाँ आती है आपकी, वो वाली खा गई 3, ठीक है, मरे हुए वहाँ हमें मिले।
और एक हमारी बिल्ली ने खेल खेल के मार दिया उसको। मतलब अब दो बच गए हैं। दो बच गए हैं। दिखाओ कौन से हैं, जरा लेके आओ। बकरा मुझे दे दो, बकरा मुझे दे दो। आहा, ओए यार ये तो खींच के लेके जा रहे हैं। ओए पौधे नहीं खराब। ओ भाई ना ना प्रॉप पकड़ो इसे। उतरी पौधे खराब कर रहा है ये तो। ओ, ओ भाई 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 यार रुक जा। ओ भाई शुक्र है यार ये धमसा है कि पौधे। ओए ओए इसको भगाओ यहां से। आजा आजा ओए पकड़ो तो छोड़ो तुम छोड़ो। इनका कलर चेंज नहीं हो गया। हाँ, ऐसे लगता है एक्टिव हो गए जैसे, ऐसे लग रहा है ना। देखो ना इनका कलर काफी है क्या अभी। पहले तो फार्म ही था। यहाँ तक आए थे मैं एक बार छोड़े हैं, मेरे इधर तक आए थे। इसने सही किया नहीं कि बटेरे कितने छोड़े हैं तुमने। मैंने छोड़े मतलब कि कितने बाकी छोड़े हुए हैं। सारे छह दिए थे तुम्हें, छह दिए थे, दो बच गए। अच्छी केयर नहीं की तुमने भाई। मैंने मुझे दिया था आपने जिसको गिफ्ट। वो कह रहा है मैं इसको, हमने इसको दिए थे। तुम कह रहे हो उसने दिए थे। छोड़ रहे हो क्या, आजाद कर रहे हो क्या। देखते हैं यार अब कितना फ्लाई कर लेते हैं। पहले तो नहीं कर पाते थे फ्लाई। अच्छा भाई नहीं करते फ्लाई हुए कोई। मेरे उड़ के पहले यहाँ तक आया था। ये फ्लाई नहीं होती है, जंप होता है, वो भी दड़म। ये फ्लाई ये सही है, ये सही है भाई। ये ओरिजिनल पीस है, ये फेक है, चाइना का माल है। ये माता है वो नर है कुछ पता नहीं भाई। यही माहौल तो चाहिए इसको, ये मुझे देसी लग रहा है। देखो मिनट में और एक मिनट के अंदर ही बाहर निकला है यार। इसके लिए मट्टी का बंदोबस्त करो ना वाली। यार ऊपर चढ़ गया मेरे, यार मेरे ऊपर भी चढ़ गया है यार। कैसा ओके बाय 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 बाय। तो यार आपको ये केज नजर आ रहा होगा, ये खाली हो गया है क्योंकि हमने गंजी चीज को दोबारा शिफ्ट कर दिया ऊपर, क्योंकि वो ठीक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखते हैं ऊपर, हमारे गंजी चिक्स माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब टेंशन फ्री हैं हम। और यार इनको जो है ना अंडों को निकालो और इनको जो है ना वेस्ट करो, क्योंकि हमारी जेब्रा फिंचेस उड़ चुकी हैं। अब हमें कन्फर्म हो गया पत्नी कहाँ से गई ये नहीं पता हमें। हाय काले हो गए अंडे भी इनके, तो ये भी निकाल लो क्योंकि इन्होंने नेस्ट बहुत गंदा बनाया हुआ है। और बाकी हमारी फिंचेस अंदर जा भी नहीं सकती भाई, बिल्कुल बंद है ये, अंदर से जगह ही नहीं है जाने की। थोड़ी सी जगह है उनके अपने हिसाब से उन्होंने बनाया भाई। निकालो ये, ऐसे जाया हो जाएगा। देखो यार ये छोटी सी फिंचेस हैं, वो इतना उठा सकती हैं। देखो कितना मेहनत करते हैं बेचारे। ये अंडों का क्या करें, अंडे फेंक दो, ये गंदे हैं। इधर यार तुम पागल हो, अभी तुम कह रहे थे कचरा हो रहा है कचरा, अभी तुमने खुद फेंक दिया नीचे। ये मुर्गी खा लेगी ना यार। यार तुम अजीब है यार, ये मुर्गी फिर भी निशान छोड़ जाते हैं अंडा। देखो वो अंडा फेंका था तो देखो निशान अभी तक बाकी, हालांकि हमने धुलाया भी है और इसका भी निशान रह जाएगा। तो खैर यार ये थी आज की हमारी वीडियो। बस मुर्गी के लिए दुआ करनी है आपने कि यार उसके अंडे कुछ मजीद ठीक हो जाएं, क्योंकि यार सिर्फ 2 से 3 ठीक लग रहे थे मुझे, बाकी सारे खराब हो गए थे या अभी उनकी टाइम रहता है, देखते हैं 1-2 दिन क्या पता ठीक हो जाएं। तो यार ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।